लोक नेता विधायक गणेश नाइक ने कोपरखेने में आयोजित नवी मुंबई प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक, वरिष्ठ नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ, रविंद्र इथापे, युवा नेता सूरज पाटिल और दीपक बालाराम पाटिल समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि NMPL ने 7 वर्षों के भीतर ऐसे दर्जनों खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जो आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखाकर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोपरखेरने भूमिपुत्र मैदान पर आज से नई मुंबई प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का शानदार शुभारंभ हो गया। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने खुद क्रिकेट खेलकर आज यहां नई मुंबई प्रीमियर लीग सीजन 3 के मैच की शुरुआत की। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक, वरिष्ठ नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ, केशव मात्रे समेत कई नगर सेवक भी मौजूद थे। यह टूर्नामेंट 6 से 9 जनवरी तक चलेगा जिसमें कुल 16 टीमों के 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी नेता गणेश नाइक ने यहां खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के नेतृत्व में 2015 में शुरू हुए NMPL ने अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया है जो आज अपना हुनर दिखाकर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। संदीप नाइक के पुरस्कार से NMPL ये जो क्रिकेट की और आम क्रिकेट की स्पर्धा यहाँ पे भूमिपुत्र मैदान पर आयोजित की गई है, बहुत भारी पैमाने पर खिलाड़ी ने इसमें सहभाग लिया है और बहुत शिस्तबद्ध वातावरण में शर का सम्मान बढ़ाने के लिए, जीवन में एक आशादायक वातावरण करने के लिए सब आयोजक भी और खेलने वाले भी साथ में आए हैं। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि क्रिकेट टीम वर्क के साथ अनुशासन एवं एकता का खेल है और ऐसे खेल आयोजनों से खिलाड़ियों में एकजुटता, आत्मविश्वास और जीतने की भावना बढ़ती है। उन्होंने विश्वास जताया कि NMPL से कई अच्छे खिलाड़ी जरूर निकलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस स्पर्धा से खिलाड़ी लोगों में एकता आ जाएगी, पराभव और विजय को बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी और इस शर के माध्यम से अच्छे अच्छे खिलाड़ी जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैंने टीम वर्क में ही मैंने विचार की भी एकता चाहिए और आचार की भी एकता चाहिए, विचार अलग और आचार अलग ऐसे नहीं होने चाहिए। सदभाग्य से नई मुंबई के इस प्रांगण में विचार और आचार एक ही होने वाले लोगों को नई मुंबई की जनता ने अपना मोहरा बनाया है और वो मोहरे के माध्यम से नई मुंबई की जनता की सेवा हो रही है और आगे चल के भी होते रहेगी, इसमें मुझे उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।